हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शायद सरज एजुकेशन पॉइंट टुडे दिस क्लास इज फॉर क्लास थर्ड सेमेस्टर बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सर हमारे साइकोजिकल टेस्टस जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उन पे लेक्चर दीजिए राइट माय डियर आपका इंतज़ार ख़त्म तो आज हम लेकर आए हैं आपका ही टॉपिक यस माई सम इंटेलिजेंस टेस्टस आपके सिलेबस में तीन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस टेस्ट हैं आज हम पहला वाला उठाएंगे तो उसके बाद हम दो इकट्ठे हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा बेटा साइमन बिनट बेटा तो पहला टेस्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट है हमारा व्हाट इज दैट दैट इज साइमन बिनट स्केल तो यहां पे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इंटेलिजेंस टेस्ट पे मैंने एक अच्छा खासा लेक्चर दिया वहां पे हमने डिस्कस किया कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल है कुछ नॉन वर्बल है कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट है हर किसी में आपको एक एक टेस्ट पढ़ना है अगर हम वर्बल टेस्ट की बात करेंगे तो हमें साइमन बिनेट स्केल पढ़नी है अगर हम नॉन वर्बल की बात करेंगे तो हमें वहां पे कटेल कल्चर फेयर पढ़ना है और परफॉर्मेंस में हमें विडा बाटियाज बैटरी टेस्ट पढ़ना है तो जस्ट स्टे विद योर शायद सर एंड बी नाउ वी आर गोइंग टू कवर इट इन टू लेक्चर्स राइट तो टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वट वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट साइमन बिनेट स्केल तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर वो मैंशन नहीं किया तो देयर टू साइकोलॉजिस्ट वन वॉज थियोडर साइमन थियोडर साइमन एंड अल्फर्ड बिनेट तो ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था स्केल सिके, का मतलब क्या है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं तो यहां पे स्केल का मतलब है ये वो स्केल है जो इंटेलिजेंस को मेजर करेगा ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं दियर वायर टू साइकोलॉजिस्ट वन वॉज थियोडर साइमन एंड साइमन बिनेट एंड दिस दिस वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट

जितना मैं यहां पे लिखूंगा ना बेटा उतना ही आपको एग्जाम में लिखना है हां थोड़ा छोटा है लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है अगर वहां पे क्वेश्चन आया राइट डिटेल्ड नोट ऑन साइमे बिनेट स्केल तो माय डियर ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे आप psychology, आप स्केल चूंकि ये इंटेलिजेंस को मेजर करता है तो आपको थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस का वहां देना है और जो एल्फर्ड बिनेट ने पहली डेफिनेशन दी है इट इज इट इज द एबिलिटी टू रीजन वेल एबिलिटी टू जज वेल एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेल वो भी आपको इसमें लिखना है तब जाके सारे पॉइंट आपको ये मैंने यहां से यहां से पॉइंट लाए हैं अदरवाइज यू कैन टेक दीज पॉइंट डाउन सो दैट यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइन आपको तो ये टेंशन भी होता है कि भाई मेरा पेज मतलब एक ही पेज में आ गया आपको दो चार पेजेस में से मतलब वहां पे काउंटिंग ये नहीं होता है कि पेज मार्किंग होती है ये कल कंसेप्ट है आपका कंटेंट अगर सही है ना बेटा आपको बिल्कुल इजी अच्छे से मार्क्स आपको मिलेंगे ठीक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो चलते बेटा दूसरा पॉइंट द स्केल कंसिस्ट ऑफ थर्टी आइटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो बेसिकली जो भी हम से इस्तेमाल करते हैं चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि साइमन बिनेट स्केल जो है इट्स अ वर्बल टेस्ट तो इट कैन बी यूज्ड फॉर लिटरेट पर्सन इज़ वन हु रीड्स राइट्स एंड हैव सम मैथमेटिकल फॉन राइट तो यहां पर बेटा आप याद रखेंगे कि इस स्केल में

इसको एक दो वर्ड्स देंगे कि आप लोग तो दो तीन वर्ड देंगे, देंगे, देंगे इसी तरह सिंपल तो जब ये लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद डिफिकल्ट उसके बाद और ज्यादा डिफिकल्ट तो यही मेरा कहने का मतलब है कि इसके थर्टी हैं जिनको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी आई होप बेटा दिस पॉइंट नंबर टू इज ओके क्वेश्चन नंबर पॉइंट द स्केल वॉज यूज टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड उनकी जो एज है थ्री से लेकर थर्टीन तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइ डियर तो ये जो टेस्ट है ये किन के लिए एप्लीकेबल है इट इज एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम थ्री ईयर्स टू थर्टीन ईयर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा अडल्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है यू कैन नॉट एडमिनिस्टर्ट दिस स्केल ऑन अडल्ट क्यों क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स है नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो किन के लेवल के रिलेटेड है दे आर रिलेटेड द लेवल थ्री टू फोर्टीन ईयर्स ईयर फोर्टी ईयर्स यू कैन आल्सो राइट फोर्टीन ईयर्स जब इसकी रिविजन होती है टर्मेन स्टैनफोर्ड वगैरह वहां पर आप फोर्टीन ईयर्स भी देखते हो तो ये वाला जो स्केल है जो साइमन ब्रिंट स्केल है तो ये किसके लिए मेजर होती है स्कूल चिल्ड्रन के लिए जिनकी एज रेंज होती है फ्रॉम थ्री टू थर्टीन ईयर्स आई बेटा दिस इज क्लियर ओके डियर नाउ कमिंग टू नेक्स्ट द स्केल फर्स्ट रिवाइज देखो बेटा सबसे पहला रिविजन हुआ था 1908 में उसके बाद में एंड एंड देन देन तो इतने सारे हुए हैं किसको साइमन बिनेट स्केल को बहुत सारे इसके बाद भी हुए होंगे बट डियर सो फार एज द बुक दैट आई कंसर्ट सो इसमें इतने सारे रिविजन है तो ये वाला पॉइंट भी आराम से लिख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में अगर ये आया तो ठीक नंबर सेकंड दिस टेस्ट इज इंडिविजुअल टेस्ट एंड इज वर्बल ये कल ही मैंने डिस्कस किया था इस इंटेलिजेंस टेस्ट को हम इंडिविजुअल चाइल्ड पे अप्लाई करते हैं और बेटा ये वर्बल है वर्बल का मतलब क्या है वी मेक यूज of लैंग्वेज इधर ऑरल और रिटर्न तो बेटा ये भी मैंने डिस्कस आपके साथ किया था अगर ग्रुप आ गया तो आर्मी अल्फा टेस्ट इफ़ यू रिमेंबर आर्मी अल्फा टेस्ट इज द वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बट दैट इज ग्रुप टेस्ट ये वाला जो है ये इंडिविजुअल है इंडिविजुअल क्यों है क्योंकि हम एक एक करके बच्चे को बच्चे पे हम एडमिनिस्टर करते हैं ठीक है थीके? तो ये हो गया कि दिस टेस्ट इज इंडिविजुअल एंड वर्बल ओके नाउ द मोस्ट पार्ट दैट इज हियर वट इज दैट जो आइटम है थर्टी आइटम्स यहां, तो यहां पे देखना है कि तीन या, तीन से लेकर तेरह साल तक थ्री ईयर ओल्ड एंड थर्टीन ईयर ओल्ड अगर थ्री ईयर कौन कौन से आइटम्स है जो हम अप्लाई कर सकते हैं किस किन एज को लेकर किस एज को लेकर थ्री ईयर एज को लेकर तो यहां पे देख सकते हैं नंबर वन हम बच्चे को बताएंगे पॉइंट यूर पॉइंट टू यूर आई आपकी आई कहाँ है नोज कहाँ है टंग कहाँ है बहुत सारी चीजें हैं छोटे है ना लेवल सिंपल तो जो बच्चा किस कितने साल का है तीन साल का तीन साल के बच्चे को हम कहेंगे बताओ टीथ कहाँ है बताओ नोज कहाँ है बताओ आई कहाँ है तो ये आइटम्स है, है ना सिंपल आइटम्स राइट तो पॉइंट टू यूर आई नोज एंड माउथ इसी तरह हम उसको बताएंगे रिपीट एनी टू डिजिट्स कोई दो डिजिट हम मैं पहले उसको डिजिट्स दिखाएंगे वो याद रहेगा उसको ठीक है फिर हम उसको कहेंगे कि जितने भी डिजिट्स हमने आपको बताए तो यू हैव टू रिपीट दैट थ्री टाइम्स और फाइव टाइम्स थ्री टाइम्स और फाइव टाइम्स कोई भी दो डिजिट्स आप लो तो उनको तीन या पांच बार रिपीट करो ठीक नंबर सेकेंड रिपीट सेंटेंस ऑफ थ्री टू फाइव सिलेबल्स सिलेबल मतलब से फॉर एग्जिलेबल का मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल को अगर मुझे ब्रेक करना है सिलेबल डिविजन को कहते हैं हम लिखेंगे ब्यू टी फुल तो इसमें कितने डिविजन हो गए यानी ब्यूटीफुल ब्यू टी फुल इसी तरह आपको सिलेबल को आपको कोई वर्ड दिया जाएगा वो वर्ड जिसमें तीन डिविजनस हो सकते हैं सेंटेनस या आई डोंट रिमेंबर कानून इसमें नोटेशन कहाँ पे ये ग्रामेटिकली मैं उतना ज्यादा नहीं जानता हूँ लेकिन सिलेबल इतना जानता हूँ कि वर्ड को जब आप ब्रेक करते हैं उनकी साउंडस निकलते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल ऑल इसकी एक ही साउंड है या फॉर एग्जाम्पल अरेंज अरेंज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो इनको हम ब्रेक करते हैं इनकी साउंड अलग अलग निकलती है उनको कहते हैं सिलेबल डिविजन तो यहां पर इसको कहा जाता है बच्चे को रिपीट सेंटेंस ऑफ थ्री सिलेबल जो सेंटेंस में तीन से हा ये तो आपको समझ आ गया एंड देन इन्यूबरेट ऑब्जेक्ट इन अ पिक्चर आ, आपको कोई पिक्चर दिखाई जाएगी बच्चे को तो उस पिक्चर में जितने भी आइटम्स है उनके आपको नाम बताने हैं सिंपल है ना तो इन्यूमिरेट ऑब्जेक्ट है ना पिक्चर पिक्चर में कौन कौन से आइटम्स है कौन कौन से पिक्चर्स है उनके आपको नाम बताने हैं तो है ना सिंपल वेरी गुड तो गिव फैमिली नेम्स आपके फैमिली में जितने भी मेम्बर्स है ना उनके नाम आपको बताने हैं तो ये सिंपल सिंपल सा है ये सिंपल क्यों है क्योंकि एज यहां पे देखो ना थ्री ईयर एज है आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर थैंक यू मेला ब्लेस यू अनदर इज आइटम थर्टीन ईयर अगर हम थर्टीन ईयर को लेकर बात करेंगे वहां पर रीड एंड रिमेंबर टू थ्री लाइन आपको पैसेज को पढ़ना है पढ़ने के बाद उस पैसेज को रिमेंबर भी करना है तो इट्स बिट डिफिकल्ट बिकॉज हियर द एज इज नाउ थर्टीन ईयर इट इज नॉट थ्री इन ओके एडअप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन तो ये भी चीज़ें इसमें हैं नेम एनी फोर कलर्स आपको कलर भी नेम बताने हैं काउंट रिवर्स आपको रिवर्स में काउंटिंग करनी है वन टू थ्री फोर टू ट्वेंटी ट्वेंटी से वापस आना है ए बी सी डी अगर पढ़ोगे जड से लेकर वापस आपको आना है आपको रिवर्स में रीड अप करना है ठीक है एंड डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए जाएंगे और फिर आपको क्या कहा जाएगा कि वाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स सो इट नीड्स ए लिटिल बिट यू नो मेंटल लेवल ज्यादा ही अप्लाई होनी है इसमें ठीक है तो फिर हम जब इन आइटम उसको एडप्ट करते हैं हमारे पास स्केल है कौन कितना जल्दी जल्दी बताएगा उसी हिसाब से हम उसकी मार्किंग करते हैं इवेल्युएशन करते हैं फिर हम इसको जब स्कोर चेक करते हैं अकॉर्डिंगली हम इसको कहते हैं कि ये कितना इंटेलिजेंट है बेटा आई होप कि आज आपने अच्छे से इसको समझा तो दिस वॉज बेटा साइमन बिनेट स्केल तो टुमारो इसी तरह मैं दो दो क्वेश्चन उसको लेकर आऊँगा वन इज द कल्चर फेयर टेस्ट उसमें हम आर भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत रावन इज प्रोग्रेस मैटर इज एंड अनदर इज बाटिया बैटरी टेस्ट टिल देन गुड बाय मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग एंड वंस अगेन माय डियर इफ यू आर न्यू टू माई चैनल काइंडली टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फ्रेस द वेलाइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोज और अभी तक अभी तक अगर आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी चैनल को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी से मेरी चैनल को शेयर करो थैंक यू मेडा ब्लेस यू एंड कीप ऑल लर्निंग